हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अचीवियर द अनस्टॉपेबल में। और आज हम देखेंगे लिटरेरी अवार्ड्स के शॉर्ट्स। देखिए दोस्तों, आज के शॉर्ट्स में हम देखेंगे वो अवार्ड्स जो कि लिटरेचर के फील्ड में दिए जाते हैं, उसमें की कुछ फेमस अवार्ड्स हैं जो कि इंडियन मतलब इंडिया में दिए जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बाहर की कंट्रीज़ में भी दिए जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के अवार्ड्स हैं। तो ये यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन देखिए हर बार एसएससी और रेलवे में बन जाता है। तो यहाँ पर हम लास्ट 3 ईयर्स के अवार्डीज़ को यहाँ पर हमने कवर किया है, और इसमें मैंने सभी कोशिश करी है कि जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं उन सबको हम यहाँ पर देखें। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये 22 भाषाओं में दिया जाता है, जो कि हमारे संविधान में 8th शेड्यूल में लिस्टेड हैं। 22 भाषाओं में ये दिया जाता है, और इसके साथ ही इंग्लिश, मतलब कि 23 भाषाओं में अवार्ड दिया जाता है, लेकिन इंग्लिश में आज तक किसी को नहीं मिला ये। तो यहाँ पर हम ये तीन विनर्स देख लेते हैं इसके, जो कि लास्ट 3 ईयर्स यानी 2017, 16 और 15 के हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें 2017 में, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कृष्णा सोपती जी को। इनको ये हिंदी भाषा के लिए मिला था, और इनको ये 53वां पुरस्कार मिला था। इनसे पहले अगर बात करें 2016 में, तो एक बंगाली राइटर हैं शंखा घोष, इनको मिला था 52वां पुरस्कार। और उनसे पहले अगर बात करें 2015 में, तो गुजराती राइटर हैं हमारे पास रघुवीर चौधरी जी, इनको ये 2015 में दिया गया था 51वां। तो यहाँ पर देखिए आपको ये भी याद रखना है कि किस राइटर को किस भाषा के लिए दिया गया था, और अगर आप उसका एडिशन भी याद रख पाएँ कि कौन सा वहाँ पुरस्कार था, तो बहुत अच्छा होगा। और देखिए इसी के साथ हम ये भी देख लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किन्हें दिया गया था। सबसे पहले 1965 में मलयालम भाषा में जो लेखक हैं जी शंकर कुरु, इनको दिया गया था ये सबसे पहले पुरस्कार। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। व्यास सम्मान की बात करेंगे अब हम यहाँ पर। तो व्यास सम्मान देखिए हिंदी भाषा में दिया जाता है, और ये 1991 से शुरू किया गया था, और आज 2017 तक लास्ट ईयर तक 27 एडिशन इसके दिए जा चुके हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले व्यास सम्मान मिला था डॉक्टर राम विलास शर्मा को। और अब अगर हम बात करें 2017 में, तो ममता कालिया एक लेखक हैं, उनको मिला था दुखम सुखम नाम के नॉवल के लिए 2017 में, जो कि 27वां एडिशन था। इसको देखिए याद करना आसान होगा अगर आप ये याद कर लेते हैं कि 91 में से शुरू हुआ है, लगातार हर साल मिल रहा है, तो 2017 में 27वां एडिशन होगा इसका। इनसे पहले अगर बात करें सुरेंद्र वर्मा जी को मिला था 2016 में, और ये इनकी एक पोइट्री थी, कविता थी, जिसका था कि काटना शमी का वृक्ष पद्म पंखुड़ी की धार से। तो देखिए कई बार वर्क भी पूछ लिया जाता है या नाम देकर पूछ लिया जाता है कि किस राइटर ने लिखा है, तो अधिकतर वही राइटर्स दिए जाते हैं या जिन्हें कि अवार्ड मिला होता है कभी ना कभी। बहुत ही कम ऐसा होता है कि, या फिर जो फेमस बुक्स होती हैं उनके राइटर पूछे जाते हैं, उनके शॉर्ट्स भी हम किसी दिन लाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये है कि जो अवार्ड्स हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर हम देख रहे हैं। इनसे पहले अगर बात करें 2015 में, तो सुनीता जैन जी को ये अवार्ड मिला था, क्षमा नाम की कविता थी इनकी। तो ये थे व्यास सम्मान के विनर्स। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए मूर्ति देवी पुरस्कार, मूर्ति देवी सम्मान 2017 का दिया गया जॉय गोस्वामी को, इनका था ये डू डोंडो फुवाड़ा मात्रों के लिए, जो कि बंगाली भाषा का एक लेखन था, और ये इनको 30वां एडिशन था इसका। और इससे इनसे पहले अगर बात करें, तो एमपी वीरेंद्र कुमार को ये पुरस्कार दिया गया था मलयालम भाषा के लिए, इन्होंने जो लिखा था वो था हेमावथा भूविल 2016 में, मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। और 2015 में बात करें तो तेलुगु भाषा में दिया गया था ये कोला कलूरी इनोज को, ये पुरस्कार मिला था अनंत जीवनम के लिए। और अगर सबसे पहले बात करें मूर्ति देवी पुरस्कार की, तो सबसे पहला पुरस्कार दिया गया था सी के नागराजा राव को 1983 में। तो 1983 से ये शुरू हुआ, और 2017 तक इसके 30 एडिशन हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ष ऐसे थे जहाँ पर कि कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था किसी को भी। आइए इसी के साथ आगे देखते हैं। सरस्वती सम्मान की बात करते हैं यहाँ पे, तो सरस्वती सम्मान भी वही 22 भाषा जो कि संविधान में है उनके लिए दिया जाता है। और अगर इससे पहले हम मूर्ति देवी की बात करें, तो मूर्ति देवी पुरस्कार 22 भाषा और एक इंग्लिश, इन सब के लिए दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान में अगर हम देखें, तो देखिए सितांशु यशचंद्रा को वखर नाम की कविता के लिए दिया गया था, जो कि गुजराती भाषा में उन्होंने लिखी थी 2017 में। यहाँ पर भी देखिए ये सम्मान कब से शुरू हुआ है, ये 1991 से शुरू हुआ है,
और सबसे पहले ये दिया गया था हरिवंश राय बच्चन जी को, इनका नाम आप सभी ने सुना होगा, इनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी के लिए जो 4 वॉल्यूम में थी उसके लिए इनको दिया गया था। और उसी तरीके से हर साल देते देते अगर हम देखें तो 2017 में 27 एडिशन पूरे हो रहे हैं। तो 2017 से पहले देखें, 2016 में महाबलेश्वर सैल जी को ये पुरस्कार दिया गया था हफ्थन नाम के नॉवेल के लिए, जो कि कोंकणी भाषा में लिखा गया था। और उनके बाद बात करें अगर तो पद्म सचदेव जी को चित चेते, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी थी डोगरी भाषा की, 2015 में उनको ये पुरस्कार दिया गया था, 25वां एडिशन था पुरस्कार का। आइए इसी के साथ आगे देखते हैं, पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन। देखिए पुलिट्जर प्राइज बहुत सारी कैटेगरीज में दिया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर फिक्शन की बात करेंगे सिर्फ। तो 2018 में देखिए दिया जा चुका है, तो 2018 में एंड्रयू सीन ग्रेयर को ये पुरस्कार मिला है लेस नाम के नॉवेल के लिए। उनसे पहले अगर बात करें तो कॉल्सन व्हाइट हेड को द अंडरग्राउंड रेल रोड के लिए 2017 में ये प्राइज़ मिला था। और उनसे पहले वियत हैन ग्यूनेन को द सिंपथाइजर नाम के वर्क के लिए 2016 में अवार्ड दिया गया था। और पुलिट्जर प्राइज सबसे पहले 1918 में दिया गया था अर्नेस्ट पुले को, इनको सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया था। और ये जो पुलिट्जर प्राइज है किसके द्वारा, ये अमेरिकन सोसाइटी है उसके द्वारा दिया जाता है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, मैन बुकर प्राइज़। देखिए मैन बुकर प्राइज़ जो है लंदन यूके बेस्ड प्राइज़ है, जो कि ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है और इंग्लिश में जो वर्क होता है उसके लिए दिया जाता है प्राइज़ बेसिकली। लेकिन देखिए इसमें सर्टेन चेंजेस किए गए कि 2016 से इसमें अमेरिकन ऑथर्स को भी इंक्लूड किया गया। और मज़े की बात यह रही कि 2016 और 2017 दोनों बार ही अमेरिकन ऑथर्स लेगा इस प्राइज़ को। तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए 2015 में अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स नाम का नॉवेल आया था, जो कि मार्लन जेम्स ने लिखा था, इनको उसके लिए मैन बुकर प्राइज़ दिया गया। 2016 में अगर देखें तो द सेल आउट के लिए पॉल बेटी को ये प्राइज़ मिला। और यहाँ पर देखिए आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि अभी मैंने बताया कि पॉल बेटी वॉज द फर्स्ट अमेरिकन ऑथर टू विन दिस अवार्ड, तो इसलिए आपको इनका नाम याद रखना है। और 2017 में लास्ट ईयर ही लिंकन इन द बार्डो के लिए जॉर्ज सॉन्डर्स को ये प्राइज़ दिया गया, और ये भी क्या है, ये भी एक अमेरिकन ऑथर है। आइए इसी के साथ आगे देखते हैं, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर की अब हम बात करेंगे। तो देखिए 2018 का नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाएगा, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, 2019 वाले लिटरेचर के साथ ही दिया जाएगा, क्योंकि जो स्वीडिश सोसाइटी है स्वीडन से ये प्राइज़ दिया जाता है, तो उन्होंने वहाँ पर कुछ स्कैंडल हो गया था जिस वजह से उन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया। और 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 का प्राइज़ मिला था कजुओ इशिगुरो को, हु इन नॉवेल्स ऑफ ग्रेट इमोशनल फोर्स हैज़ अनकवर्ड द एबीज बीनीथ आवर इलिजरी सेंस ऑफ कनेक्शन विद द वर्ल्ड। तो इनको दिया गया था कि इन्होंने जो भी वर्क किया, देखिए नोबेल प्राइज़ पर्टिकुलरली किसी बुक के लिए या किसी पोइट्री के लिए या प्रोज के लिए नहीं दिया जाता, जो पूरा आपका पूरे लाइफ में आपने 20 साल 30 साल 10 साल जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है लिटरेचर के फील्ड में उसमें देखा जाता है। अब इसी तरह देखें अगर 2016 में तो बॉब डायलन को मिला था, ये अमेरिकन ऑथर हैं, और इन्हें भी क्या था कि इन्होंने जो पोएटिक एक्सप्रेशन थे उसमें सॉन्ग ट्रेडिशन का कुछ इंक्लूजन किया था उसके लिए इनको दिया गया था। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि किसको दिया था और कब दिया था, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ यहाँ पर कवर किए। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर मैंने साहित्य अकेडमी पुरस्कार की बात नहीं करी है, क्योंकि साहित्य अकेडमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है और हर साल वो कई भाषाओं में हर भाषा में लगभग दिया जाता है, तो इसलिए उसके लिए एक अलग शॉर्ट्स लेकर आऊँगा जिसमें कि सिर्फ साहित्य अकादमी पुरस्कार हम 2017 और हो सका तो 2016 के भी कवर करेंगे, क्योंकि उनको याद रखना भी टफ होगा, लगभग 24 और 48 वहाँ पर आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो दोस्तों ये थे शॉर्ट्स लिटरेरी अवार्ड्स के, इसी के साथ मैं और भी शॉर्ट्स लाता रहूँगा, तब तक के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अचीविया द अनस्टॉपेबल में, और आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।